जिहड़ा बयान एस जी पी सी ने दिता है कि भगत सिंह जी की उन्होंने फोटो उरे लाई हुई है, ये भगतां दी बाणी सानू रब नाल जोड़दी है, रब अधीन बनती है, गुरुआं दी बाणी सानू रब अधीन बनती है, सानू गुरु ग्रंथ साहब रब नाल जोड़दे हैगे हैं। तो सार भगत सिंह ने स्पष्ट जेल दे विच एक अपना एसे लिखिया है, मैं नास्तिक क्यों हाँ, और वो स्पष्ट रूप से कहने हैं कि आई कुड नेवर बिलीव इन द मिथोलॉजी एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ सिखिज़म और एनी अदर रिलीजन। ठीक है ना जी, ये सिखिज़म च मानते नहीं सी। अखीर च ये बेनती करते हैगे हैं कि मैनू क्या किसी ने कि अखीर तो तू पछताएगा, ड्यूरिंग योर लास्ट इज यू विल बिगिन टू बिलीव, मनन लग पेगा। मैं जवाब दिता, आई सेड नो डियर सर, इट शैल नॉट बी, एंड नहीं हो सकता। आई विल थिंक दैट टू बी एन एक्ट ऑफ डेग्रेडेशन, ये मेरी नीचता होगी जे मैं मनन लग पाया, एंड डीमोरलाइजेशन, मतलब मैं अपने च भरोसा नहीं रखता। फॉर सेल्फिश मोटिव्स आई एम नॉट गोइंग टू प्रे, रीडर्स एंड फ्रेंड्स, ये हंकार है। सो ये इन्हां दी सोच एक नास्तिक सोच है। हुण उरे गुरु दे घर च नास्तिक आ सकदा, किसी नूं कोई रोक नहीं, सारे दरवाजे खुले हैं, पर जिहड़े कौम दे हीरे हैं उन्हां नूं असीं अजायब घर च थां दिंदे हैं। सो अज मैं एस जी पी सी नूं इह सवाल पुछना, जिथे हरी का मंदिर है, रब नूं मन्नण वाले उरे आउंदे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मन्नण वाले आउंदे हैं, जिहड़ा सानूं रब नाल जोड़दा, जिहड़ा सानूं धार्मिक बणाउंदा, उहदे अजायब घर ते आपां हुण नास्तिक बंदे नूं उत्थे रखीए, फिर एस जी पी सी रब दा प्रचार कर रही है कि कह रही है कि तुसीं रब नूं ना मन्नो। जे तुसीं उहनां नूं उच्च अहुदा देना है, नास्तिक बंदे नूं देना है, फिर मेरा वर्गे सिख एस जी पी सी का की सबक लूगा कि रब नूं ना मन्ना। सो ये सवाल असी लैके आए हैं, ये सवाल असी इत्थे प्रधान जी नूं पुछे हैं कि जे तुसीं कहिंदे हो शहीद हैं, असी शहीद रब दे नौ दे शहीद मानते हैं, मिनिस्टर कोले जाऊँगा तो उन्होंने कहूँगा तो उन्होंने प्रेरूँगा, फिर मैं देश की भगती बारे करूँगा। मैं अज धर्म की गल कर आया, धार्मिक विषय से मैं पूछ आया कि जो रब न मानता नहीं, मैं वो गल कर रहा। आप एक मुद्दे पर आईए जी, आप जो चोन लड़ी सी संगरूर तो कुछ डिमांड सीगियां सेंटर के वाल कि बंदी सिख रिहा करवाने वास्ते मानसा पहलकदमी करे। अज हो रहा कि कभी भगत सिंह का मुद्दा आ जाता, कभी अरूर सिंह का मुद्दा आ जाता, कभी सरोपे पान का मुद्दा आ जाता, कभी जवाब मंगया। दस दियो फिर आप तीन मंगा ते आ जाइए कि जो आप गल संगरूर चोन जीती सी बंदी सिखा की रिहाई नूं लैके, ठीक है जी, अज भगत सिंह दिल्ली का पंजाबी लाले हरियाणे च पंजाबी लाला राज करता पिया, अज तुसी उन्हां गल्लां तो भटक गए हो, जिहड़े बंदी सिखां दी रिहाई दी गल कदों होएगी? असी लगातार करदे आए हैं, मत्तेवाड़े दे जंगल बारे असी मोर्चा ला के आए हैगे हैं, बंदी सिंघां दी गल करदे हैं, पर मैं अपने गुरु घर बारे क्यों नहीं गल कर सकता, की पाबंदी है मेरे ते? मैं हरिमंदर साहब दे बारे क्यों नहीं सवाल पूछ सकता हैगा कि किवें चल रहा है? इत्थे बहुत कुड़ैतां हुई हैं, असी हरेक स्टेज से 328 रूपां दी गल कीती है, बरगारी बारे गल कीती है, वह सारे मेरे गुरु घर ते डेमोक्रेसी दे नाल संबंधित है। चोन उरे हो नहीं रहे, श्रोमणी कमेटी ते 11 साल हो गए, 1947 तो लैके अज तक 8 बारी साडा हाउस चुने गया, 17वीं लोक सभा च प्रधान साहब गए, इस सारियां गल्लां स्टेजां ते उत्थे कहियां। साहब खुद 2 बारी एसजीपीसी दे मेंबर रहे ने, उदों भगत सिंह दे बारे च इह गल क्यों नहीं चुकी गई जिहड़ी अज कहिंदे पए हो कि अजायब? मैं हथ जोड़ के माफ़ी मंगदा हां, पर इह हुण मुद्दा दिमाग च उभरिया हैगा, इहदे बारे मैं स्पष्ट पुछ रहा कि इह हरी का मंदिर इत्थे हरी नूं पूजण आ रहे हैं कि जिहड़े नास्तिक हैं, जिहड़े मानदे नहीं, उन्हां दे असी तस्वीरां नूं देखण आ रहे हैगे हैं?
जलादां दी फोटो आ रही ने सवाल किया गया कि उन्हां दी फोटो ते लगी आईयां ने ओह रब थोड़ा मानदे सी फोटो तो भी लाण लगी आईयां मुस्लिम इस्लाम वाले नहीं मानदे सी नास्तिक बंदे नूं देना है फिर मेरा वर्गे सिख एस जी पी सी का की सबक लूगा के रब नूं ना मन्ना सो ये सवाल असी लैके आए हैं ये सवाल असी इत्थे प्रधान जी नूं पुछे हैं कि जे तुसी कहिंदे हो शहीद हैं असी शहीद रब दे नौ दे शहीद मानते हैं ठीक है ना रब नूं समर्पित मानते हैगे हैं जिहड़े बंदे कहिंदे हैं कि असी मानते ही नहीं उन्हां नूं फिर इत्थे उस पद्धर दा शहादत किस चीज़ लई देना है ये कल्ले सिक्खी बारे नहीं कहिंदे ये इस्लाम बारे कहिंदे हैं क्रिश्चियनिटी बारे कहिंदे हैं हिंदू धर्म बारे कहिंदे हैं हरेक बारे कहिंदे हैं सो स्टेट इन्हां नूं कह दे पर गुरु दा घर जिहड़ा पंचम पिता तत्ते तवे ते बैठ के रब दे नाल नाल जोड़ के चले गए नौवें पिता सीस गवा के रब दे नाल नाल जोड़ के चले गए चार साहिबजादे माता जी सारे रब दे नौ दे शहीद हो गए इत्थे फिर सर भगत सिंह दा की रोल है अज की उन्हां दी सोच असी उरे मन सकदे हां हरिमंदर साहब तो एस जी पी सी दे विच ओ किस कारण आप रख रहे हैं जिहड़ा बंदा स्पष्ट कहिंदा मैं मनदा ही नहीं हैगा ते ना चाहवणा है ओह इत्थे होण दा फिर की साडी मजबूरी है मान साहब इस तों इलावा होर वी तुसीं काफी कुछ डिमांड्स कीतियां ने ओह वी क्लीयर कर दिंदे नहीं मुख तो यही है जी फिर देश च है जी देश भगती जां आजादी लई कुछ काम कीता के नहीं कीता एस जी पी सी नूं पुछो नहीं देखो असी अज सवाल लेके आए हैं ठीक है ना जी ए जवाब एस जी पी सी नहीं असी तो पुछ मंग लैके आए हैं कि दसो इन्हां दी क्यों आपां ने अजायब घर च रखी है क्योंकि नास्तिक बंदे नूं जे आपां मूहरे लैके आना है फिर आजाद फिर अजायब घर दे विच जिते शहीदां दीआं फोटोआं लगियां ने ना उन्हां दे नाल जलाद भी लगे ने क्योंकि आपां सेहत जिहड़ी है नाल देख पैरेलल लिती जा सकदी कदी नूं किसे तुसीं भगत सिंह जी नूं जलाद दे खिताब च पा रहे हो मैं कदों कह रहा जी जलाद नहीं मैं कहना मैं तां कहा नास्तिक है तुसीं इह कह सकदे जी भगत सिंह नास्तिक सी ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਜੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਖ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ